उन्होंने भी पराली के बारे में कहा। ये क्यों बोल रहे हैं पराली के बारे में, क्योंकि आज दिल्ली का मुख्यमंत्री 600 करोड़ रुपए का विज्ञापन देकर पराली पराली चिल्ला रहा है, और जो उसके अपने के काम थे वो सारा दोष वो पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर में डाल रहा है। जो सबसे बड़ा कारण है व्हीकल, क्या आपने उसके बारे में बोला? नहीं बोला। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल जो गैसेस है, जो डस्ट है, उसके बारे में बोला? नहीं बोला। शहर के अंदर बैठकर, भारत की राजधानी के अंदर बैठकर गांव वालों को गलत बोलना और गांव वालों के बारे में बोलना कि वो प्रदूषण फैला रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। गांव और शहर की दूरी को बढ़ाना किसी भी राजनीतिक पक्ष में नहीं हो सकता, मगर दिल्ली का मुख्यमंत्री जो है, ना उसका कोई इतिहास है, ना उसका कोई भविष्य है, वो एक दाव खेल रहा है। 600 करोड़ रुपए का विज्ञापन देकर एक दाव खेल रहा है, और जो उसके प्रदूषण की अपनी जिम्मेदारी थी, मैं बताता हूं एक आपको उदाहरण। साल के 365 दिन में से 200 दिन दिल्ली में सीवियर एयर पोल्यूशन होता है, 200 दिन, मगर पराली अगर कहीं जलती है तो वो केवल 40 और 50 दिन जलती है। तो मैं पूछना चाहता हूं 150 और 160 दिन जो दिल्ली के लोग सांस नहीं ले पाते, वो पोल्यूशन कहां से आता है? वो पोल्यूशन आता है दिल्ली के व्हीकल से। अभी इवन ऑड चला, इवन ऑड में कारों को बंद कर दिया गया और सारे टू व्हीलर चल रहे थे, सारे बाकी जितने भी कमर्शियल व्हीकल है वो चल रहे थे। और जो दिल्ली के सरकार का एकमात्र सांसद पंजाब का है, आम आदमी पार्टी का, आज एयर पॉल्यूशन के मुद्दे पर वो भी मौजूद नहीं है, ये भी बहुत शर्म की बात है। वरना मैं भगवान मान जी से पूछना चाहता था कि वो पराली के बारे में क्या बोलना चाहते हैं, उनकी सोच क्या है। जब दिल्ली का मुख्यमंत्री बार बार कहता है कि पराली पंजाब में जलाई जा रही है और उन क्षेत्रों में जलाई जा रही है जहां पर 24 विधायकों में से 19 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, जब उस क्षेत्र में पराली जलती है तो क्या दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने आम आदमी पार्टी के विधायकों को यह कहता है कि वहां पर पराली ना जलाया जाए? वहां पराली जल रही है, इनका सांसद मौजूद नहीं है, और ये दिल्ली में गरीब जनता का खून पसीने के टैक्स के पैसों से 600 करोड़ रुपए का ऐड कर रहे हैं।